नॉट ओनली क्रेडिट टू अमेजॉन प्राइम वीडियो ओनली बट ऑल्सो क्रेडिट टू आलिया भट्ट फॉर प्रोड्यूसिंग दिस फर्स्ट मलयालम सीरीज। अमेजॉन प्राइम वीडियो की तरफ से भी शायद पहली मलयालम ओरिजिनल लैंग्वेज में ये सीरीज़ बनी है। ये हिंदी में भी देख सकते हो आप, बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, लेकिन भाई ये फर्स्ट अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, इससे पहले मुझे नहीं लगता कोई मलयालम वेब सीरीज़ आई थी जितना मैं जानता हूँ। मुझे, मैं ज़्यादा सीरीज़ फॉलो नहीं करता हूँ, एंड इट्स अ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एंड इट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट यार। और बहुत ही बेहतरीन सारे एक्टर्स ने काम किया है। इसके ट्रेलर को मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन इस एक वीडियो में मैंने इसके ट्रेलर के बारे में ज़रूर बात करी थी जितना मुझे याद है। तो जो टॉपिक है वो एक्चुअली, और सबसे ज़्यादा तारीफ ये है कि यार इन लोगों ने इतने बेहतरीन एक्टर्स लिए हैं ना, और जिस तरीके से काम किया है सब ने, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। कि देखो एक्टर का मतलब, एक्टर कैसे चूज़ किए गए हैं वो भी बहुत तारीफ़ के काबिल है। और बाकी हमने स्टोरी के बारे में ऑलरेडी बात करी, तो स्टोरी के बारे में वापस बात नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस वॉज गुड, एंड मैं ये कहूँगा कि सब ने ये वेब सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। अब लोग कितना सीरियस है ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह के मामले में, आजकल क्या है कि कोई गन वन वाले काम हो, एक्शन सीरीज़ वगैरह मूवीज़ में भी आजकल एक्शन वगैरह ही चल रहा है, तो ऐसे वेब सीरीज़ डॉक्यूमेंट्रीज कुछ जो रहती है वो पीछे रह जाती है। तो आई डोंट नो कि कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, पर ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। सो फॉर एक्चुअली मैं तो यही सजेशन दूंगा कि ज़रूर देखिए, सपोर्ट कीजिए इस वेब सीरीज़ को, एंड इट्स अ सीरियस टॉपिक यार। मतलब जिस तरीके से जानवरों को लेके इन लोगों ने दिखाया है, यार उनकी भी तो दुनिया है यार। ओके, तो दैट्स इट, आप लोगों पर है। बाकी आप लोगों के, और फॉरेस्ट को लेके यार इन लोगों ने, यार एक बात जाते जाते कहूँगा, VFX अच्छे लगे यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया देख के। और अच्छा खासा पैसा इन लोगों ने बजट, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इस वेब सीरीज़ में भी है, कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा अंधेरे वाले जो सीन्स है वो थोड़े से बेटर होने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है। कैमरा वर्क को लेके ही बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज बाकी ऑल ओके है, आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइए।